हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आपके लिए आप सभी की रिक्वेस्ट पे लेके आ गए हैं एक और ब्रांड न्यू बेलीफ रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। एंजल्स हमें बताइए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। ओ माय गुडनेस, काफ़ी दिनों बाद मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कुछ अच्छा सोचते हुए। ऐसा लगता है पहले ये पर्सनल बहुत ही पर्सनल लेवल पे चले जाते थे, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके फैमिली को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी बात के लिए ये आपको तो ब्लेम करते ही थे, और मुझे लगता है कि बहुत बार ये आपकी फैमिली को भी ब्लेम कर रहे थे। इनकी करंट एनर्जी अगर मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ना जब भी कोई बात आती है, आपके ऊपर कोई बात आती है, तब ये पर्सन बिना सुने और बिना मतलब उसमें रहे ये रह नहीं पाते हैं। चलिए इस वक्त ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ये। ओ माय गुडनेस, ऐसा लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको अलग करने में शायद हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई हाथ है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आप पर शक है। इस पर्सन को आप पे ये शक है कि आप इनसे बातें छुपाते हो। आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हो, इनको हर चीज़ ठीक से नहीं बताते हो, जिसके कारण ये बहुत सारी चीज़ों से अनजान है, वाकिफ नहीं है। और आप ना इस पर्सन को बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं बताते हो जो शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो चीज़ ये पर्सन करते हैं, जो चीज़ें आपसे छुपाते हैं ना, वही सेम चीज़ का डर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लगा रहता है कि शायद आप भी इस पर्सन से छुपा रहे हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं, पर इनका डर इनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा। इस वक्त मैं बताऊं तो ये पर्सन पूरा पूरा दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट रातों को भी ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। इनकी एनर्जी ये कहती है कि आप ना इनसे सवाल जवाब बहुत करते हो, और आपके पर्सन को ये क्वालिटी आपकी पसंद भी है और नापसंद भी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि लगता है कि अगर आप इनसे बात करोगे तो पहले आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी आपके पर्सन सोचते हुए ये समझ रहे हैं कि वो सवाल जवाब कैसे अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इनको अनकंफर्टेबल बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है उस चीज़ में इनकी गलती है, तो उस चीज़ का जवाब देना या आपके पर्सन अवॉइड करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से बदले नहीं हैं, और कहीं ना कहीं इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो अभी तक दिखाई दे रही है, जो शायद आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जो आप दोनों के रिश्ते के लिए शायद बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसीलिए मुझे लगता है कि आप भी इनसे बात करना अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप जान गए हो ये पर्सन अभी भी वही सारी चीज़ें ज़रूर करेंगे, वही पैंतरे ज़रूर आजमाएंगे जहाँ इनको बहुत सारी चीज़ों का आंसर ना देना पड़े। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने बहुत सारे वादे किए थे और आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन पे दोबारा से ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा डर रहे हो, हिचकिचा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन ना हो सकता है कि आपको हर बार भरोसे के नाम पे ये हर बार आपसे वादे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लस उनको निभा नहीं पाते, जिससे आपको क्या होता है, हर बार आपका दिल टूट जाता है। यहाँ पे दिल टूटने की बहुत ज़्यादा बात आ रही है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन दूसरों को बताते हैं कि आपने इनका दिल तोड़ा है, और आपके अनुसार आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। मुझे लगता है कि एक बार ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आपने इनको किसी और के साथ बात करते हुए पकड़ा है, देखिए, जिसकी वजह से ही रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वजह भी रही है आप दोनों के रिश्ते के ख़त्म होने का। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो भी करते हैं, इनको लगता है ये सही कर रहे हैं, और उस समय ये अपनी गलती नहीं मानते नहीं अपनी गलती।
मुझे लगता है ये भी सबसे बड़ा कारण है कि ये पर्सन अपनी गलती को मानते नहीं हैं। बहुत ही मुश्किलों से मुझे लगता है ये अपनी गलती कबूलते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि एक्सेप्ट भी नहीं करते ये चीज़ उन्होंने की है, और इनको लगता है आप एक चीज़ को लेके बार बार अड़े हुए हो। देखो ये यहाँ पे स्टिक हो गया, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को पता है, लगता है ऐसा, वैसे सोचते हैं आप एक चीज़ का राई का पहाड़ बना देते हो। और आप एक चीज़ को जब तक आपके मन में क्लैरिटी ना आ जाए, जब तक आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाओ, तो आप उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो। तो आपके पर्सन को आपकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जब तक आप पूरा सच सुनोगे नहीं तो आप मानते नहीं हो। तो ये थी आपके पर्सन की करंट रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।